सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो मैच है राजस्थान वर्सेस किंग इलेवन पंजाब से, उनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज वहां फिर से होने वाला है जहां पे सबसे छोटी बाउंड्री इस आईपीएल सीजन पे आपको देखने को मिलेगी शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम पे। यहाँ पे शॉर्ट ऑफ बाउंड्री है और साथ ही स्पिनर और फास्टर दोनों के लिए मदद करेगी ये पिच। और आपको बता दूँ जो भी अच्छा बॉलर आपके लिए रहेगा उनमें से मैं आपको सजेशन दूँगा, टिप दूँगा कि आपको कौन से बॉलर लेके जाएं। आज के बता दूँ कि आज जो यहाँ पे जॉस बटलर का न्यूज़ है राजस्थान के रॉयल से कि आज का ये मैच ये खेल सकते हैं, टीम 11 पे ये आ सकते हैं। स्मिथ, जॉस बटलर, टॉम करेंट और आर्चर में से इनमें से रहेंगे। और आपको बता दूँ जो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग द इनिंग आएंगे, तो आप सोच सकते हो बटलर फॉर्म में भी चल रहे हैं रिसेंट पे, तो आप इन्हें ज़रूर लेके जाएं। T20 सीरीज इनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी गई थी और वेरी गुड चॉइस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रहेंगे आज के लिए। जॉस बटलर नंबर 1 कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। फिर यशस्वी जायसवाल अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके आए हैं। संजू सैमसंग जो होंगे पिछला मैच 74 रन मारे थे, फर्स्ट डाउन करने आएंगे, ये बजट रहेंगे टीम 11 पे 9। यहाँ पे स्मिथ रहेंगे सेकंड डाउन रहेंगे, पिछले मैच पे 69 रन की पारी खेली थी, एक अच्छे पिक हो सकते हैं। रियान पराग और टॉम करेंट ये ऑलराउंडर फिनिशर के तौर पे रहेंगे। टॉम करेंट अपने टॉप, आपको बता दूँ एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आप इन्हें लेके जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन पे। आपको बता दूँ कि इन पे रिक्स रहेगा, तो आप इन्हें एक एवरेज प्लेयर के तौर पे इन्हें लेके जा सकते हो, क्योंकि टॉम करेंट अपने सभी मैचेस पे विकल निकाल सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो इन्हें आप ज़रूर लेके जाएँ। रियान पराग जो है राइट हैंडर बैट्समैन है और यहाँ पे विग शॉटर ऑल्टो बॉर्न फेवरेट टू स्पिन, तो ये अच्छे पिक हो सकते हैं, शायद बॉलिंग भी कर लें। यहाँ पे फिर श्रेयस गोवाल, राहुल तिवरिया यहाँ पे रहेंगे स्पिन बॉलिंग अटैक पे। स्मिथ और रियान पराग, राहुल तिवरिया पिछले मैच पे 3 विकेट लेके गए थे, बहुत ही अच्छी यहाँ पे बॉलिंग किया था इन्होंने, सिर्फ स्कोर 10 रन भी मारे थे, 3 विकेट लिया था। टॉम करेंट, जॉफ आर्चर, जयदेव उनाडकट ये लीड पेस अटैक पे रहेंगे। उनाडकट पे यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे पिछले मैच पे पिटाई हुई थी और जॉफ आर्चर को यहाँ पे 27 रन 8 बॉल पे पिकअप पे 1 विकेट, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस किया था। टॉम करेंट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो आप देख सकते हो 10 रन प्लस 1 विकेट पाया था इन्होंने, तो एक अच्छे चॉइस रह सकते हैं आज के लिए। ठीक है, फिर पंजाब की तरफ से यहाँ पे जो फॉरेनर जो रहेंगे मैक्सवेल, जिमी निसम एक रिस्की प्लेयर हो सकते हैं आज के टीम पे, क्योंकि ये बॉलिंग भी एक यदि कर रहे हैं तो एक आध दो ओवर, नहीं तो कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे निकोल्स पूरन एक अच्छे ऑप्शन है, सेकंड थर्ड डाउन पिछले फर्स्ट मैच पे जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन सेकंड मैच पे अच्छी परफॉर्मेंस से यहाँ पे बनाया था, जो 17 रन मारा था फर्स्ट डाउन करने या ओपनिंग आते हैं, जैसा कि ये ग्राउंड है तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए, तो उनके साथ जा सकते हो। राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग द इनिंग आएंगे, लास्ट मैच पे 132 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। फिर यहाँ पे करुण नायक, ग्लेन मैक्सवेल फर्स्ट सेकंड थर्ड डाउन पे बैटिंग करने आएंगे। सरफराज और मंदीप में कोई आज एक खेल सकता है, जिमी निसम का खेलना जहाँ तक है प्रॉपरली हो सकता है, क्योंकि एक बिग हिटर है, लास्ट में यदि टीम जल्दी आउट होती है तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं। यहाँ पे अश्विन ने पिछले मैच में बहुत अच्छी विकेट लिए, रवि बिश्नोई, ग्लेन मैक्सवेल स्पिन अटैक पे रहेंगे और ये बहुत स्पिन रवि बिश्नोई यंग राइट आर्म लेग ब्रेक और इम्प्रूव एवरीथिंग परफॉर्मेंस, बिश्नोई ने भी 3 विकेट लिया, तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं। दोनों ने यहाँ पे विकेट लिया था, 4 ओवर्स कंप्लीट किया। यहाँ पे मैक्सवेल ऑलराउंडर बट मोस्टली नाउ फॉर द हिज बैटिंग स्किल, तो यहाँ पे आईपीएल पे इसने अभी इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखाए और साथ ही आपको बता दूँ बॉलिंग भी नहीं कर रहा है, तो एक रिस्क रहेगा इन्हें मैक्सवेल पे लेना, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, तो कभी भी इनका बल जिस दिन बल्ला चलेगा एक तरफा मैच जिता सकते हैं। आज के प्लेयर जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते, केएल राहुल, बटलर, संजू सैमसंग, स्मिथ, मोहम्मद शमी, जॉफ आर्चर, इन्हीं में से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज़ करना है, जो आप दे सकते हो। यहाँ पे ब्रिलियंट मारे हैं 174 के स्टाइडेक्स, 153 रन जो पिछले मैच में 132 रन मारे थे। जोसफ बटलर रिसेंट पे ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी करके आए। संजू सैमसंग लास्ट मैच पे 74 रन, स्मिथ में 69 रन, मोहम्मद शमी ने 5 विकेट 2 मैचेस पे ले लिए हैं। जॉफ आर्चर बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, अपने सभी मैचेस पे विकेट निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के जो रहेंगे
जो कैप्टन वाइस कैप्टन के आज रहने वाले केएल राहुल, जॉस बटलर, स्मिथ, संजू सैमसन, जॉफर अर्चर। तो आइए चलते हैं आज के मैच की ओर। तो आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक भी जी सी इलेवन डाउनलोड नहीं किया है, जी सी इलेवन पर आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पे सिर्फ 49 रुपीज़ की एंट्री फीस है। 6 टीम के साथ यदि यहाँ पे आप आते हो तो आपको बता दूं 10 लाख रुपीज़ आप जीत सकते हो। साथ ही यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी नोट 9 अल्ट्रा प्रो आप जीत सकते हो। यहाँ पे मैकबुक का आप लैपटॉप जीत सकते हो। 11 रुपीज़ से यहाँ पे स्मॉल लीग स्टार्ट है, 99 रुपीज़ की है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप आसानी से टीम बना सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पे स्पेशल ऑफ़र हैं, सैमसंग गलेक्सी नोट 9 अल्ट्रा प्रो, यहाँ पे मैकबुक का यहाँ पे जी सकते हो, आईफोन तक जी सकते हो। फर्स्ट डिपॉजिट ऑफर करते हो तो 100 रुपये पे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल 600 पर रेफरल आपको 100 रुपये मिलेगा। तो एक अच्छा रहेगा आज के लिए, इस ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और आपको बता दूँ ड्रीम इलेवन से कम एंट्री फीस है। यहाँ पे याद हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन जो 5750 रुपये लेता है, वहीं पे जी सी इलेवन 5499 रुपये लेता है 10,000 रुपीज़ की। और साथ ही ये 5% बोनस भी यूज करवाता है। तो आई चलते हैं अब आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो आज का जो मैच है ड्रीम इलेवन पे 49 रुपीज़ के 1 करोड़ रुपीज़ प्राइज, आप ज़रूर, यदि ग्रैंड लीग के अलावा इस ऐप पे खेलने लायक नहीं है तो यहाँ पे मैंने 3 बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन के साथ गया हूँ, केएल राहुल, बटलर, सैमसंग। बटलर ओपनिंग आएंगे जायसवाल के साथ, बहुत अच्छे पिक रहेंगे आज के लिए। कैप्टन 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 कैप्टन, तो ये रहेंगे 5 जो आप कैप्टन बना सकते हो। वाइस कैप्टन पे राहुल तिवारी, मोहम्मद शमी और यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, ठीक है, आप इन पे जा सकते हो। तो मेरी जो पहली टीम रहेगी जिस पे मैंने कैप्टन राहुल को बनाया, वाइस कैप्टन स्मिथ को बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिया है। यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो बॉलर पे, ठीक है, एक बॉलर के साथ, जैसा कि एक बॉलिंग पिच नहीं है, एवरेज जैसे कि विकेट भी गिरेंगे कम गिर सकते हैं। तो जो भी टीम यदि कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, बॉलर भी चेंज कर सकता हूँ, वो कब चेंज करूँगा, टॉस के बाद। यदि सेकंड बैटिंग आती है तो मैं उसके ज़्यादा बॉलर लूँगा और वहाँ से आपके जो फर्स्ट बैटिंग करेगी उसके बॉलर कम लूँगा। तो ये टिप रहेगी, क्यों, क्योंकि सेकंड पारी में विकेट ज़्यादा गिरते हैं फर्स्ट पारी के अनुसार, ये शाहजहाँ पे, क्योंकि एक एवरेज रहेंगे तो सेकंड पारी में एक मेंटल रहेगा दबाव कि भाई रन रेट काफ़ी ज़्यादा है, मारना है, मारेंगे तो आउट हो सकते हैं, तो इस कारण मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो रहेंगी मेरा सेकंड टीम रहेगी, ये ग्रैंड लीग टीम रहेगी, सैमसंग मैंक अग्रवाल कैप्टन वाइस कैप्टन, फिर से मैंने यही टीम लेके गया, ठीक है। अब राहुल के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी जा सकते हो, ठीक है, एक आप यहाँ से मोहम्मद शमी या कॉटरेल भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग पिच है जैसे कि वो बैटिंग को रेफर करूँगा तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन केएल राहुल। यहाँ पे हेड टू हेड की टीम यदि जाना चाहें तो कैप्टन आप बनाइएगा केएल राहुल, वाइस कैप्टन संजू सैमसन या स्मिथ पे, और सेम टीम आप रहने दीजिएगा। अब बॉलर से यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉटरेल एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप इन्हीं टीमों के साथ खेलें अपने टॉप 11। यहाँ पे आपको बता दूँ बिश्नोई को आप ड्रॉप करके एम अश्विन पे जा सकते हो, एक अच्छे पिक रहेंगे आज के लिए। तो ये टिप रहेगी, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। यदि मेरी ये टिप, जितना भी मैंने आपको सजेशन दिया, यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हमें मोटिवेशन करें, और भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लाऊंगा। ग्रैंड लीग टिप तो आपके लिए देता ही हूं कि आप आज पे क्या चेंज करें, कौन से प्लेयर टॉप 11 लें और कौन से आपको हेड टू हेड पे लेने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसे ही चूज़ करें। हेड टू हेड के लिए कैप्टन सिर्फ 3 ही रहेंगे, राहुल, सैमसंग और स्मिथ, यही रहेंगे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हेड टू हेड के लिए। तो 100% आपकी विनिंग टीम रहेगी यदि ये टीम उतर रही है, तो आप हेड टू हेड इसी पे करें, स्मॉल लीग पे और ग्रैंड लीग में आप रिक्स ले सकते हैं। वहाँ से आप कैप्टन राहुल पे, वाइस कैप्टन आप चले जाओ जायसवाल पे, स्मिथ पे, मैकवेल या फिर जॉस बटलर, तो ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड, और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।